Redmi Note 11 Pro Plus 5GB HyperOS का नया अपडेट रोल आउट किया गया। अगर आपके पास Redmi Note 11 Pro Plus 5G है तो ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो। अभी ये अपडेट आई गेस जो है बीटा टेस्टर्स को रोल आउट किया गया, इस वीक के अंदर सभी यूजर्स को मिल जाएगा। ये वर्जन है HyperOS 1.0.5.0 और अगर आप जाइए इसका वॉट्स न्यू में तो इसमें आपको देखना मिलता है अपडेटेड सिक्योरिटी पैच टू सितंबर 2024। तो ये आपको जो है चेंज लॉग यही देखना मिलता है और इंक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी। चेंज लॉग आपको बस एक लाइन का देखना मिलता है और ये अपडेट भी एक ही या दो वर्ड्स का देखना मिलता है, बेसिकली दो नंबर्स का। तो काफ़ी छोटा सा अपडेट साइज है इसका जो कि है 19MB का। तो 19MB का आपको इसमें अपडेट साइज देखने मिल जाता है। तो 19MB का तो ज़्यादा कुछ आपको फीचर्स और ऐप अपडेट नहीं देखने मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। अब क्या चेंजेस होगा और आपको कल इसका फुल रिव्यू मिल जाएगा जो कि परफॉर्मेंस टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, हीटिंग इशू, प्रॉब्लम को कल मिलेगा। उसके लिए तो वेट करना होगा आपको थोड़ा। और देखो अपडेट करने के बाद बस खाली इसमें आपको सिक्योरिटी पैच चेंज होता वो देखने मिल जाएगा जो कि है सितंबर का सिक्योरिटी पैच। तो ये आपको नया देखने मिलता है और चेंज लॉग में भी यही मेंशन है और आपको कुछ नया नहीं देखने मिलता है व्हाट्स न्यू में। अब देखते हैं कि और क्या नया देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं इसको सुबह अपडेट आया था, सुबह से यूज़ कर रहा हूँ और ये मैं वीडियो 9 बजे शूट करता हूँ या 9:30 बजे। तो देखो अभी 9 बज रहा है तो काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 12 या 11 घंटा मैं 10 घंटा इसको यूज़ किया होगा, मतलब प्रॉपर तो नहीं बट हाँ प्रॉपर यूज़ हो जाता है। 2-4 घंटा मैं यूट्यूब या कुछ ना कुछ ऐप में स्ट्रीम कर लेता हूँ कि फ़ोन गर्म हो जाए और पता चल जाए फुल साउंड फुल ब्राइटनेस में। और देखो इसमें आपको अभी करेंटली जो सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाएगा, सितंबर का सिक्योरिटी पैच। और बाकी आपको सिक्योरिटी स्टेटस में यही देखने मिलता है, आप अपडेट कर सकते हो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट को, आपको उसमें कुछ नया चेंजेस तो देखने को मिल सकता है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप चाहिए बाकी जैसे कि इसका ब्लूटूथ में तो इसमें कुछ ऐसा ब्लूटूथ में प्रॉब्लम्स नहीं था पर है भी नहीं। और बाकी आपको इस सेम फीचर सेम चेंजेस देखना मिल जाएगा। और फिर बचता है तो आपका इंटरकनेक्टिविटी में आपको अभी दो ऑप्शन देखने मिलता है, टैब मतलब टैबलेट और कंप्यूटर, और देख सकते हैं कनेक्ट ऑटोमेटिकली कनेक्टेड डिवाइस और कनेक्ट टू कंप्यूटर, कनेक्टेड डिवाइस, कनेक्शन हिस्ट्री और आपका प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये सब आपको नया देखने को मिल रहा है और आपको बाकी जो आपका वो ऑप्शंस था क्लिपबोर्ड और शेयर स्क्रीन वो भी आपको देखना मिल जाता है वो सेकंड पेज में, तो वो ट्राई कर सकते हैं। और आपको हॉटस्पॉट में इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं मिल रहा है, मतलब कि पहले आई गेस दिक्कत था कि बहुत मतलब कि अगर आपका फ़ोन गर्म हो रहा तो टर्न ऑफ हो जा रहा था। और ऐसे भी आई गेस 2-4 जो मतलब कॉमेंट्स आया था मेरे को, अब मुझे नहीं पता, मैं इसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ हॉटस्पॉट, मेरा वाईफाई कनेक्टेड रहता है 24/7। तो अब सिम लगा कर बैटरी टेस्ट किया जाएगा और बाकी देख सकते हैं इसमें आपको जो है 120 हर्ट्ज़ परफेक्टली चल रहा, अभी तक तो परफेक्टली चल रहा है और एनिमेशन भी एकदम स्मूथ है और वॉल्यूम साउंड मतलब साउंड एंड वाइब्रेशन में साउंड भी अच्छा ही है। और मतलब जैसे कि देख लो डॉल्बी एटमॉस में साउंड चेंज होता है और Xiaomi साउंड में भी चेंज होता है या ओरिजिनल में भी चेंज होता है। तो अब साउंड इसमें कम नहीं हुआ नया अपडेट के बाद और इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने मिलता। बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में करेंगे कल बात, आज थोड़ा बहुत बात करेंगे बट कल आपको प्रॉपर जो है आपको कंप्लीट स्टार्ट्स देखने को मिल जाएगा। और फिर बात करते हैं डिजिटल सेटिंग्स, तो डिजिटल सेटिंग्स पर आपको कुछ ऐसा चेंजेस नहीं देखने मिलेगा। और फ्लोटिंग विंडो जो मैं अपडेट कर चुका हूँ इस ऐप को, सिक्योरिटी ऐप को, और उसके बाद नया फीचर्स ऑलरेडी मेरा ऐड हो चुका है। तो ऐप्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि देखो ऐप्स तो आप मैनुअली अपडेट करके नया फीचर्स को अनेबल कर सकते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं और फिर रखा हूँ गैलरी और सिक्योरिटी ऐप को, तो उसमें मेरे को नया फीचर्स ऑलरेडी एडेड है। अब जाते हैं बात करते हैं मेन बैटरी। तो देखो बैटरी अब अपडेट करने के बाद मैं 2 या 3 घंटा मैं ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट इसमें स्ट्रीम ही किया हूँ, यूट्यूब में लाइव 1.5 घंटा मैं देखा हूँ और आपका जो है जियो सिनेमा और हॉटस्टार मिला के और 1.5 घंटा। तो फुल साउंड ब्राइटनेस आपका 80%, साउंड भी 80% या 90% था। तो बैटरी तो ड्रेन नहीं हुआ है जैसा था, वैसे ही आपका बैकअप दे रहा, अभी फ़ोन गर्म ही नहीं हो रहा। मतलब देखो अब थोड़ा बहुत तो गर्म हो गया क्योंकि फ़ोन कम्प्लीटली जो है मतलब फुल क्वालिटी में स्ट्रीम कर रहा है, वाईफाई में है और
गर्म हो रहा है, तो उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ, परफेक्ट था फोन, मतलब एकदम हीटर ही नहीं बन गया था, बट थोड़ा बहुत गर्म होगा, ये तो जानना है आपको भी। और बाकी देखो YouTube का तो शो भी हो जा रहा है और अपडेट हुआ, तो उसका गैप हुआ कुछ स्टार्ट। देखो YouTube 2 घंटा में ऑलमोस्ट इसको यूज़ किया, स्ट्रीम किया कंप्लीट 80% ब्राइटनेस और 80 या 90% वॉल्यूम के साथ, तो उसमें फ़ोन गर्म भी होना चाहिए था और साथ साथ जो है बैटरी भी ड्रेन होना चाहिए था, बैटरी ड्रेन नहीं हुआ जो कि काफ़ी अच्छा बात है, फ़ोन गर्म उतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा था तो ये भी अच्छा बात है। अब जो है कैमरा बहुत जन का इशू रहता है, कैमरा कहीं डेड तो नहीं हो गया, कुछ हुआ तो नहीं, तो नहीं, कैमरा सही से चल रहा है और अच्छा सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है अपडेट के बाद। अब मेरे को ये अपडेट कैसा लगा इसके लिए तो कल वेट कर जाओ यार, इतना तो वेट करो। और देखो कंट्रोल सेंटर वॉल्यूम स्लाइडर कोई ऐसा लैग नहीं हो रहा है, एनिमेशन भी परफेक्टली सिस्टम लॉन्चर में चल रहा है, सब कुछ सही है। अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट इसको कर सकते हैं, बट अगर आपको कंप्लीट रिव्यू चाहिए तो कल का वेट करो। और पसंद आया वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून रहो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।